हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे सुधा शुक्ला ऑफिशियल में। तो गाइस, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, स्किप मत करना एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। तो जैसे कि दीपावली की सफाई हर घर में स्टार्ट हो गई है ना, तो मैंने भी स्टार्ट कर दी है क्योंकि दीपावली बहुत नज़दीक है ना। दीपावली में बहुत एक्साइटमेंट होती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा रहती है घर को डेकोर करने में एंड मतलब बहुत सारे चीज़ बनाने बनाने ये सारे में। तो मैं ना जितने डब्बे वब्बे थे ना, वो सारा एक बकेट टोकरी ली और उसमें डाली और डाल के किचन के बाहर निकाल के सारा धो करके अच्छे से एंड उसको धूप में रख दी अच्छे से सूखने के लिए, क्योंकि ना कभी कभी डब्बों को अच्छे से सुखाना चाहिए जिससे कि फफूंदी वफूंदी ना लगे। तो मैंने वो सारे काम कर लिए। अब बारी आ गई है किचन में जो बचे हुए सामान है उनको क्लीन करने के लिए। और ये दीपावली ही तो है जिसमें कि घर का कोना कोना व्यक्ति साफ करता है, एकदम डीप क्लीन जिसको कहते हैं ना, वो करते हैं। नहीं तो ऐसे तो अभी लोग इसी तरीके से साफ सफाई करके अपना काम निपटाते हैं, है ना। तो मैं पूरा क्लीन कर रही हूँ और जो बच्चे खुचे हैं ना उनको मैं देख रही हूँ कि कौन कौन सा धोना है, कैसे करना है। तो मैं सारा एक में पूरे इकट्ठा करूँगी, इसको भी लेकर के जाऊँगी बाहर। मैं बाहर इसलिए धोती हूँ ना क्योंकि मेरे किचन में थोड़ा लाइट डिम है तो दिक्कत होता है मुझे, इस वजह से मैं सोचती हूँ कि बाहर अच्छे से क्लीन हो जाएगा। फिर मैं अपना विंडो साफ़ कर रही हूँ। विंडो साफ़ करते टाइम ना बहुत ज़्यादा डस्ट जो है वो आता है, बट मैं नाक बांध करके नहीं कर पाती हूँ इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, हवा जितना आता है ना उतना ही ज़्यादा धूल मिट्टी साथ लेके आता है। अब ना मैं ये जो डब्बे हैं ड्रम जिसको कहते हैं बड़े बड़े, जिसमें चावल आटा ये सारा चीज़ रखा जाता है, इसमें तो मेरे चावल रखे, मेरे घर में ना दो तीन तरीके के चावल रहते हैं, तो ये सारे मैं बहुत अच्छे से साफ़ कर करके रखती हूँ। वैसे मम्मी का कहना है कि किचन को इस बार डेंटिंग पेंटिंग थोड़ी करनी है, बट ना पता है क्या, एकदम गंदा हो गया मेरे किचन में। रियली बता दूँ आप लोगों को, आप लोग देखना लास्ट में आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि जो कलर हुआ है ना वो कलर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। वैसे तो मेरा किचन बहुत साफ़ हो गया, बहुत अच्छा सा हो गया, बट वो कलर मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, बाकी सब बहुत अच्छा है। एंड मेरा कमर एकदम अकड़ गया है। गाइस, मैंने ना पूरा एकदम अच्छे से घर किचन को साफ कर दिया है, एक ही एक चीज़ पोछ पोछ करके रखी हूँ और मैं पूरा धो लेती हूँ। इसके बाद डेंटिंग पेंटिंग करवाई जाएगी, उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि जब पूरा घर साफ है ना तो खाली और खाली भी कर दिया है हम लोगों ने, तो फटाफट से साफ हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, तो बहुत अच्छी बात है ये। और मैं अब रूम को क्लीन कर दे रही हूँ पूरा धो करके, जिसे धो दूंगी ना तो साफ एकदम हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं होगा करने में। और जैसे कि पाँव में गंदा लगता रहता तो अच्छा नहीं होता। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, उस टाइम मेरे पास बहुत सारे पार्सल आ गए थे तो मैं सोचूं कि इन सब की अनबॉक्सिंग भी आप लोगों के साथ कर ली जाए। तो फिर मैं जितनी एक्साइटमेंट रहती हूँ ना अनबॉक्स करते टाइम प्रोडक्ट को देखने में, उतना ही ज़्यादा मेरा बेटा भी रहता है, वो भी क्या है देखने के लिए बहुत एक्साइटेड रहता है। फिर देखो मैंने सबसे पहले अनबॉक्स किया ये दिया, ये LED दिया है, इसमें सेंसर से ये जलता है, मतलब पानी से, इसमें पानी डालूंगी तो ये जल जाएगा, बहुत ही अच्छा है ये। इसको मैं खोल रही हूँ और मैं चेक करके दिखाती हूँ, देखना आप लोग इस तरीके से हल्का सा भी पानी इसमें डाल दोगे ना दो चार बूंद भी तो ये जल जा रहा है, और बहुत ही अच्छा है यार, मतलब इसको रीयूज भी किया जा सकता है। जो हम लोग मिट्टी का दिया, वैसे मिट्टी की दिया जरूर लेना आप लोग, मैं भी लूंगी क्योंकि वो दिया जरूर लेना चाहिए, सुबह वही होता है एंड जो लोग बनाते हैं उनकी थोड़ी हेल्प भी हो जाती है। ये तो चलो फैशन में शौक में हम ले लिए, वैसे वो दिया जरूर लेना चाहिए। फिर हम अनबॉक्स करते हैं दूसरा पार्सल, इसमें क्या निकलता है देखना। इसमें एक हैंगिंग निकलेगा जिसमें दो पीस है, हम लोग मंगवाए थे सेट में, ये मेरे घर में नहीं था किचन में, तो किचन के लिए ये मंगवाए, जिसमें ना कलछी पलटा छनौटा चम्मच चाकू ये सारी चीज़ें और कुछ कुछ चीज़ें और है जो टांगनी होती है। फिर देन देखो ये हम लोगों ने मंगवाया है सबसे अच्छा सा
फ्लावर, आर्टिफिशियल फ्लावर है ये, जो गेंदा का फूल से डेकोरेट करते हैं ना हम लोग घर को, वो क्या बहुत कॉस्टली मिलता है हमारे घर साइड में। तो ये मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था कि इसको यूज़ करेंगे फिर उठा करके रख देंगे, जैसे किसी पूजा में नवरात्रि वरात्रि में फिर यूज कर सकते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा है। देन ये वीडियो देखो, इसमें मैं जो हैंगिंग मंगवाई थी ना वो मतलब सेट कर रहे हैं कि दीवार में कैसे होगा, बट ये मेरे बस के बाहर थी मुझे जहाँ तक लग रहा। हम मम्मी दोनों लोग मिल करके कर रहे हैं, क्योंकि काट ही ठोकना ना जैसे कि दीवार वाल में बहुत थोड़ा मुश्किल होता है, और पूरा अंदर जाता नहीं है तो निकल जाएगा। फिर मेरी सासू माँ जो है वो मेरे फादर इन लॉ से इसको सेट करवा दी। इसके बाद देखो मेरा बेटा बैठा हुआ वो हिल नहीं रहा है, जितने देर मैं काम करूँगी उतने देर। तो मैंने एक एक सामान को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया है, और ये लड़का मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। पता है क्या, घर को डेकोरेट करना हर किसी को अच्छा लगता है। मैं एक एक सामान धीरे धीरे मंगवाती रहती हूँ, और कुछ ना कुछ नया दिमाग में लाती रहती हूँ कि कहाँ किस तरीके से करूँ तो अच्छा लगेगा, है ना। मुझे लगता है हर एक लेडी ऐसा जरूर करती होगी, क्योंकि सभी औरतों को पसंद है, लेडीज़ को पसंद है कि मेरा घर जो है ना वो खूबसूरत सा दिखे, तो मैं ये काम बहुत करती हूँ। बाकी चलो आगे वीडियो को स्टार्ट मतलब बढ़ाते हैं, देखते हैं कि और आगे मैंने क्या क्या किया। तो पता है कि इसमें मैं ना कप लगाने के लिए सोच रही थी, क्योंकि मुझे कप के लिए भी ऑर्गेनाइज़र हैंगिंग चाहिए, बट वो इसमें लगा नहीं तो मैं इसको हटा दी, सेट नहीं हुआ तो इसका रख दे रही हूँ। फिर दोबारा से मैं इसमें वही सारी चीज़ें टांग दे रही हूँ जो पहले मतलब इतना सारा था। देन हम लोग चले आए हैं यहाँ पे, ये बहुत सारे बर्तन थे जो कुछ उधर टांगे हैं और कुछ इधर है। देखो मैं इस बक्से में डाल रही हूँ, एक और बक्सा है, क्योंकि जैसे जिसमें बड़े बड़े बर्तन, जैसे कि 20-30 लोग इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो बड़ा बर्तन चाहिए होता है, भंगोना और कुकर, कढ़ाई। कुकर तो नहीं होता है बड़ा, वो 5 लीटर का होता है, बट कढ़ाई और ये गमला उमला, तो वो सारे बर्तन रखते हैं। और ये सारे चीज़ें देखो, जो मम्मी लोग होती है ना उनका क्या होता है कि खराब चीज़ भी है तो उसको सर्च करके रखना, तो मम्मी जो मेरी वैसे ही है, हर किसी की मम्मी ऐसे होती होंगी मुझे जहाँ तक लगता होगा। तो हम मम्मी कह नहीं ये भी नहीं मत फेंको, वो भी मत फेंको, सारा कुछ रख दो। मैं सारा कुछ अरेंज करके फिर चली आई किचन में नाश्ता बनाने। तो नाश्ता का टाइम तो मतलब हो चुका है, बट थोड़ा लेट हूँ मैं, तो जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लहसुन छीन ली, लहसुन आदी और मिर्च भी सब डाल करके चावल में मैं पीसूंगी, और मैं बना रही हूँ लौकी की पकौड़ी। वैसे मुझे जैसे टाइम मिलता है ना मैं आप लोगों को अपना गार्डन दिखाती हूँ। मेरे गार्डन में अभी बहुत सारी सरसों के पत्ता, देखो ये सरसों के पत्ते की और टमाटर की मैं चटनी बना रही हूँ, इतनी यम्मी लगती है ना, जब खुद के खेत में से तुरंत से तोड़ करके तुरंत ले आ करके बनाओ तो बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं ज़रूर आप लोग को दिखाऊंगी, बहुत सारी चीज़ें अभी हुई है। तो इधर मेरा तेल गर्म हो गया था, तो मैंने पकौड़ी को फटाफट से उसमें चावल वाले में डिप करके तेल में डाल दी, एकदम मस्त कुरकुरी सी पकौड़ी बन करके रेडी होगी। आप लोग भी ऐसा बना के ट्राई किया करो। वैसे ये देखो मेरी चटनी बन गई, और मैं इसकी प्लेटिंग स्टार्ट करती हूँ। और सबसे पहले ये प्लेट मिलेगा मेरे बेटा को, क्योंकि सबसे ज़्यादा पकौड़े इन्हीं को पसंद है। देन हम लोग अपना रूम साफ़ करने लगे, सॉरी मेरा रूम साफ़ हो रहा है। तो मेरे रूम में ज़्यादा डस्टिंग नहीं था, तो सिर्फ थोड़ा बहुत था, तो सामान उतार करके करके रख दिया गया है, और मेरे देवर किए। बाकी मैं अपना रूम हमेशा क्लीन करती रहती हूँ, जो लोग मेरी वीडियो देखते रहते हैं उनको पता होगा मैं हमेशा ही साफ़ सुथरा करती रहती हूँ। फिर ये है सबसे लास्ट पार्सल मैं अनबॉक्स की, जिसमें कि निकला मेरा प्लाजो पैंट, बहुत ही प्यारा है यार, कॉटन का इसका फैब्रिक है, बहुत ही अच्छा है, वाइट कलर का है, एंड दोनों सेम है, बट दोनों में अंतर इतना ही है कि इसमें वाइट एंड ब्लैक है, इसमें पूरे कलर का मिक्स लाइनिंग लाइनिंग छोटा छोटा सा दिया हुआ है। तो गाइज मुझे तो ये बहुत पसंद आया। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताना, एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में।